तो हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो मैं ये ऑफिशियल साइट पे मैं विजिटेड हूँ एंड मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जॉब कर सेक्शन में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, ये 1/2024 रिक्रूटमेंट ऑपरेटर कुम टेक्नीशियन ट्रेनी, ये OCTT का। ये हर एक मतलब कि जितना भी प्लांट है, प्लांट हो गया या फिर कोई भी यूनिट है, माइंस ऑफ सेल है, सभी एरिया से निकाला हुआ है। तो चलो मैं इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप लोग के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, फ्रेशर वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये हर एक जगह से, हर एक लोकेशन से निकाला गया है। ये 22 फरवरी को ही आ गया था। इसका मैं बात करूं, अगर फॉर्म फिलअप का 26 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है वो बात कर सकते हो। आप लोग फ्रेशर वाले ओबियसली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो हर एक जगह आपके लिए है। मतलब कि ASP अलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का है, BSL मतलब कि बोकारो स्टील प्लांट का है, ये झारखंड एंड माइंस, फिर BSP मतलब कि भिलाई स्टील प्लांट, CFP है, फिर DSP है, ISP है, RSP है, RDCI मतलब कि SRU, हर एक जगह पे से निकाला हुआ है। एंड कौन कौन सा मतलब कि मैं डिप्लोमा में कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर अगर आप मेटलर्जी से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, सिविल वालों के लिए, केमिकल, सेरामिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर IT सेक्टर वालों का भी, ब्रांच वाले लोग भी एलिजिबल है। एंड ड्राफ्ट माइंस का भी पोस्ट निकाला हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज जो मिलता है गवर्नमेंट का, वही है ST SC को 5 ईयर एंड OBC को 3 ईयर। ये ओबियसली आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट देकर आप लोग अपना दे सकते हैं। तो मैं बात करूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, 18 से 28 ईयर ये आपका एज होना चाहिए, ये हर एक का दिया हुआ इतना ही। अगर आप OCT ट्रेनी मेटलर्जी की बात करो, तो इसमें अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रिकल वालों का यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक का आप लोग देख लेना। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन आपका जो होगा वो CBT मोड पे होगा, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। एंड आपका जो जो भी CBT क्वालिफाई करेगा उसको स्किल टेस्ट देना होगा। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ इस तरह का है, फिजिकल स्टैंडर्ड देखो, हाइट वेट वगैरह नॉर्मल जो होना चाहिए वो है। इसके लिए कोई उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। मैं बात करूँ अप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर 500 रुपया UR OBC EWS वालों को 500, एंड 200 जो लगेगा वो प्रोसेसिंग फीस है, वो SC ST PWD वालों के लिए। फिर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई जो है उन वो 26 से स्टार्ट हो जाएगा, तो लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पे। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पर सारा अपडेट देता रहता हूँ। एंड चलो मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर 26 से, जैसे कि मैं बताया, 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड 18 मार्च तक चलेगा, क्लोजिंग डेट है। तो कोई भी क्वेरी होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।